पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में 38 केंद्रों में होने वाले टीजीटी की परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा को पूर्णतः नकल विहीन करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रत्येक केंद्र पर दो दो पर्यवेक्षक, इनमें एक जिला स्तरीय और एक शिक्षा विभाग की ओर से तैनात किया गया। पूरी परीक्षा को जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के समय समय पर पूरी परीक्षा की जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से समय समय पर जानकारी लेते रहे। साथ ही कुछ परीक्षार्थियों के देर से आने और डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। शिक्षक पात्रता की दो पालियों में होने वाली परीक्षा में 38 परीक्षा केंद्रों पर कुल 31,400 अभ्यर्थी शामिल होने थे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। पहली पाली में अभ्यर्थी प्राथमिक वर्ग के कुल 19,313 अभ्यर्थी आवंटित हैं। इसके लिए 34 केंद्र बनाए गए, जबकि दूसरी पाली में 12,097 अभ्यर्थी 24 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। हमारे जो भी सेंटर्स हैं उन पे सब पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार कक्ष में भ्रमणशील रहते हुए परीक्षा करा रहे हैं, और डीएम साहब ने जो है हर प्रत्येक 6 स्कूलों पे एक मजिस्ट्रेट एसडीएम रैंक का लगाया है। मैं एसडीएम बिलारी हूँ, मेरे को कॉलेजेस दिए गए हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील रह के भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई बाहर से या कोई इस तरह की कोई गड़बड़ी परीक्षा में ना हो।